मैं साला कभी कभी सोचता हूँ कि ये लोग वही है जिन्होंने 2003 में हल्क बनाया, 2008 में आयरन मैन बनाया। तो गाइस मैंने पूरी सीक्रेट इनविजन निपटा दी है। पूरी सीरीज देखने के बाद एक चीज फिक्स हो चुकी है कि मार्वल में अब पहले जैसा मजा नहीं है। एक्चुअली में क्या चल रहा है थोड़ी ब्रीफ स्टोरी बता देता हूँ फटाफट। स्टोरी बहुत सिंपल है कि बहुत सारे स्क्रल्स इंसानों के बीच में घुस चुके हैं। वो हाल फिलहाल रशिया में रहते हैं जो कि अमेरिका पे अटैक कर रहे हैं ताकि अमेरिका वालों को लगे कि रशिया वालों ने हम पे अटैक किया है और वो वापस से अटैक कर रहे हैं। इन शॉर्ट वो लोग वर्ल्ड वॉर 3 चालू करवाना चाहते हैं इंसानों के बीच। अब जिन लोगों को नहीं पता कि ये स्क्रल क्या पीड़ा है, तो स्क्रल बेसिकली इंसानों का रूप ले सकते हैं, ऐसे एलियन जीव है। अब ये स्क्रल लोग जिसका भी रूप लेते हैं उसको किडनैप कर लेते हैं और उसकी याददाश्त भी ले लेते हैं। मतलब पूरा इंसान रिप्लेस किया जा सकता है स्क्रल की जगह पे। और मैं बोलूं क्या ऐसा हो कि कर्नल रोड का कोई स्क्रल रूप ले ले इसी तरह से, तो क्या होगा। अब ये स्टोरी सीरीज सुनने में ही अच्छी लगती है, राइट? एक्चुअली में सीरीज इतनी अच्छी नहीं है। पहले 2 एपिसोड तक मेरे को लगा कि हाँ भाई ठीक है, अच्छा बना देंगे। काफी अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई थी पहले 2 एपिसोड में। सीरीज के एक मोमेंट में एमिलिया क्लर्क, मतलब जो गाया का रोल प्ले कर रही है, और ग्राविक जो मेन विलन है इस सीरीज का, वो दोनों ही फाइट करते हैं और दोनों ही के पास सारे अवेंजर्स की पावर है। बोलो, फ्री गाय का अगला पार्ट आ गया है, जिसको देखना हो वो ये सीरीज देख सकता है। मैं साला कभी कभी सोचता हूँ कि ये लोग वही है जिन्होंने 2003 में हल्क बनाया, 2008 में आयरन मैन बनाया। अब जब इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है फिर भी हग रहे हैं। इस दिन मैंने सीक्रेट इनविजन को खत्म किया, मेरे को बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि भाई ये क्या कचरा पकड़ा रहे हैं। लेकिन उसी दिन लोकी का सीजन 2 का ट्रेलर आ चुका था, जिसे देख के दिल को बड़ी शांति हुई। इन लोगों ने जैसा ट्रेलर में दिखाया है वैसा अगर एक्चुअली में सीरीज में है तो माँ कसम मजा आ जाएगी देखने में, क्योंकि कैंग डायनास्टिक और सीक्रेट वॉर दोनों का फ्यूचर यहीं से निकलता है। एंड गेम के बाद मार्वल कितना गंदा बन चुका है इसके ऊपर मैं आपको एक लिस्ट दिखा देता हूँ। और हाँ, ये कोई मेरी पर्सनल लिस्ट नहीं बना रहा हूँ, जितने भी रिव्यूज आए हैं उसके हिसाब से ये लिस्ट है। अगर एक दो मूवी ऊपर नीचे हो जाए तो चढ़ मत बैठना, चला लेना काम। तो देखो, जितना भी अभी तक घटिया कंटेंट आया है मार्वल का, उसमें सबसे पहले ब्लैक विडो, इटर्नल, थॉर लव एंड थंडर, इस मामले में भाई बहुत सारे लोगों को अच्छी लगी थी लेकिन इसके रिव्यूज अच्छे नहीं है। क्वांटमेनिया सीरीज में बात करें तो शी हल्क, मिस मार्वल, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, सीक्रेट इनविजन एंड हॉकआई, ये इतना सारा बुरा कंटेंट था मार्वल का। ठीक ठाक कंटेंट की बात करें तो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एंड वकांडा फॉरएवर। अगर सीरीज की बात करें तो वांडा विजन एंड मून नाइट ठीक ठाक रही थी। अगर टॉप कंटेंट की बात करें तो फार फ्रॉम होम, नो वे होम, सांचिनजी और सीरीज में लॉकी एंड व्हाट इफ, ये इतना ही अच्छा कंटेंट है। इसमें सभी सबसे मेरा बेकार एक्सपीरियंस रहा था शी हल्क और मिस मार्वल, जिसको मैंने आज में ही देखना छोड़ दिया। तेल लगाना जाए टाइमलाइन, मेरे को नहीं समझना है, देखना ही नहीं है कंटेंट। आपको अगर मेरी लिस्ट पसंद नहीं आई हो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी बना लो, आप उसमें आराम से देख सकते हो कि बुरा कंटेंट ज्यादा है। पर अब मार्वल में वो फील नहीं रही। मैं मानता हूँ कि हर मूवी एंड गेम नहीं हो सकती, लेकिन ये लोग अब स्टोरी लाइन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये लोग अच्छे एक्टर्स को हायर करने में ध्यान दे रहे हैं या फिर अच्छा एक्शन देने में ध्यान दे रहे हैं। एक टाइम था जब हम बोला करते थे कि आदि पुरुष वालों सीखो हम मार्वल वालों से कुछ, अब क्या बोले, आदि पुरुष वालों से सीख रहे हैं मार्वल वाले। चलो भाई, आज के लिए इतना ही ज्ञान, मिलते हैं अगली वीडियो में। लोकी के सीजन 2 के ऊपर भी हम बात करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना उसके लिए।